जल्द ही दुनिया खत्म होने वाली है। लोगों में डर का माहौल है। ये कोई फिल्म का ट्रेलर नहीं बल्कि संकेत है तबाही के, जो पिछले 3 महीने में 3 बार मिले। तबाही का ये संकेत है एक मछली, ऐसी मछली जिसे प्रलय की मछली भी कहा जाता है। इसे और फिश या डूम्सडे फिश के नाम से जाना जाता है। यह मछली समुद्र के उस हिस्से में रहती है जहां सूरज की रोशनी तक नहीं पहुंचती। इस मछली का समुद्र की गहराई से किनारे आना तबाही का संकेत है। ऐसा इसलिए क्योंकि जब जब यह मछली समुद्र किनारे आई, तब तब भूकंप या सुनामी लाई। पिछले 100 सालों में और फिश को 25 बार देखा गया है। 2010 में जापान के समुद्र तट पर और फिश को देखा गया। इसके बाद 2011 में जापान में भूकंप और सुनामी ने तबाही मचाई। डूम्सडे फिश 30 फीट तक लंबी होती है। ये मछली तट पर तभी आती है जब समुद्री तल पर टेक्टोनिक हलचल होती है। जापान में तबाही के सालों बाद ये मछली फिर समुद्र के किनारे मरी हुई पाई गई, जिसने लोगों को डरा दिया। इस बार इस मछली का कहर अमेरिका पर छाने वाला है। कैलिफोर्निया के एंसिनिटास बीच पर और फिश मछली देखी गई। इस मछली को बीते 3 महीने में 3 बार देखा गया है। ऐसे में माना जा रहा है कि इसके धरती पर आने से विनाश का सिलसिला शुरू हो सकता है। हालांकि कुछ साइंटिस्ट का कहना है कि इसका नेचुरल डिजास्टर से कोई कनेक्शन नहीं है। सांप जैसी दिखने वाली ये मछली धरती पर तभी आती है जब गहराई में इसके रहने लायक कंडीशन ना हो। आप इस बारे में क्या सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ऐसी और भी खबरों के लिए देखते रहिए, सुनते रहिए और पढ़ते रहिए नेशन मिरर।